नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाने की अपील की है और अब इस अपील का असर भी दिखने लगा है। खबर झाबुआ से है, जहां के लवाना समाज ने अपने तमाम कार्यक्रमों में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का संकल्प ले लिया है। लवाना समाज के घोसालिया में स्थित एक कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने इस संकल्प को लिया। आज जो घोसला गांव जो एमपी में झाबुआ जिला में आया हुआ है, यहां पर एक बहुत बड़ी एक नया जो आया है कि वो प्लास्टिक मुक्त भारत के अंतर्गत, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक से विश्व को एयर पोल्यूशन में, जमीन पोल्यूशन में बहुत पोल्यूशन होता है, उस पोल्यूशन को कम करने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया और सराहनीय प्रयास किया गया है। क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो भी सामूहिक रसोई होती है, खाना होता है, उसमें प्लास्टिक के थाली वगैरह यूज़ किया करते थे, लेकिन अब इस गांव में ये निर्णय लिया गया है कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का। इससे क्या होगा कि हर गांव में अब यहाँ पर जितने भी सामूहिक कार्यक्रम होंगे, शादी होगी, ब्याह होगा, कोई भी अदर मन्नत होगी, उसके अंदर थाली का यूज कर किया जाएगा। प्लास्टिक का उपयोग कर इसका विकल्प ढूंढना पड़ता है। क्या विकल्प है? तो विकल्प के लिए हमने स्थायी समाधान के रूप में हमने स्टील की थाली, स्टील की कटोरी और स्टील का गिलास का किया। और गांव में जितने भी हमारे सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे, सभी में उसका उपयोग करेंगे। और इसका गांव की तरफ से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उसके द्वारा जो नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा जो अभियान चलाया है, उसके द्वारा जो चल रहा है, जो सामूहिक स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो प्लास्टिक का विरोध कर रहे हैं सब लोग, उसके तहत जो ये भारतीयों में भोजन कराना, सब कपड़े यूज करना, ये वो जो बहुत अच्छा लग रहा है, जो स्वच्छ भारत अपना चल रहा है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पेप्टिक टाइम। अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। फेसबुक पर अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो कर लें, ताकि खबरें आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे। नमस्कार।